दोस्तों मुंबई सपनों का शहर है, जहां आके सेटल होना लगभग हर भारतीय का सपना होता है। इस सपने के शहर में आके आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि इस शहर ने कई गरीब फकीरों को रईस बनाया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही है मुंबई शहर, और इसी शहर के इतिहास के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसे सुन के आप सच में चौंक जाएंगे। चलिए वीडियो से जुड़े कुछ हिंट्स दे देती हूँ। क्या आपको पता है मुंबई शहर पहले 7 तटों में बटा गया था? और क्या आपको पता है कि मुंबई को अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से ये शहर दहेज में लिया था? हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे ही सर चकरा देने वाली बातें बताऊंगी आपको इस वीडियो में, जुड़े रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका द चंपक लाल यूट्यूब चैनल पे। नेता वाली आदतें बदल दीजिए, सब्सक्राइब के साथ साथ घंटा भी दबा दीजिए। मुंबई शहर को भारत की फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। ये शहर महाराष्ट्र की राजधानी भी है। ये शहर 603 किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी जनसंख्या 2 करोड़ से भी ज्यादा है। इस शहर को बनाने के लिए लोगों ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है। मुंबई शहर 7 तटों में बिखरा हुआ था और ये तट आपस में जुड़े भी नहीं थे। इन तटों का नाम कोलाबा, लिटिल कोलाबा, बॉम्बे, माजगांव, परेल, माहिम, वॉर्ली था। कुछ समय पहले मुंबई शहर की कांदिवली में स्टोनेज टाइम के अवशेष मिले, जिसे साफ पता चला कि यहाँ लोग करीब 2300 साल पहले से ही रह रहे थे। बाद में ये शहर मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बना। मौर्य साम्राज्य के बाद सातवाहन और सिलहारा डायनेस्टी ने मुंबई पे शासन किया। इसके बाद गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मुंबई पे अपना हक जमाया, लेकिन ये बहादुर शाह ज़्यादा समय तक इस शहर पे अपना हक नहीं जमा पाया, क्योंकि इसके बाद पुर्तगालियों का आगमन हुआ और उन्होंने बहादुर शाह और हुमायूं के साथ एक ट्रीटी साइन की, जिसे ट्रीटी ऑफ बसीन के नाम से जाना जाता है। इस ट्रीटी में पुर्तगालियों ने मुंबई के इन 7 तटों को ले लिए। इसके बाद ब्रिटिशर्स भारत आए और उनको भी इन 7 तटों को खरीदने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। ब्रिटिशर्स कुछ भी करके पुर्तगालियों से 7 तट हड़पना चाहते थे, तो ब्रिटिशर्स ने उस समय के प्रिंस, जिसका नाम प्रिंस चार्ल्स टू था, उनके लिए पुर्तगालियों के प्रिंसेस कैथरीना ब्रागंजा के लिए शादी का हाथ मांगा, जिसमें पुर्तगालियों ने भी हाँ कहा और उनकी शादी हो गई। जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने पुर्तगालियों से 7 तट मांगे। प्रिंस चार्ल्स टू ने ये 7 तट ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए। यहाँ से शुरू हुआ मुंबई शहर का असली इतिहास। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर गुजरात के सूरत शहर हुआ करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये इन 7 तटों को जोड़ने का काम किया। ब्रिटिशर्स इस शहर को बॉम्बे प्रोविंस के नाम दिया गया। इस शहर को पहले पुर्तगाली बॉम्बैया के नाम से बुलाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हेडक्वार्टर सूरत से मुंबई शिफ्ट कर दिया, जिसके बाद धीरे धीरे मुंबई की आबादी बढ़ने लगी और जिससे वहाँ की ज़मीन का डिमांड भी बढ़ने लगी। और आज के समय में अगर आप 1 BHK मुंबई में खरीदने जाओगे तो वो भी आपको 1 या 2 करोड़ तक पड़ता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर विलियम हॉर्नबी का मुंबई को बनाने में सबसे बड़ा हाथ था। उन्होंने इन 7 तटों को लैंड रिक्लेमेशन की प्रोसेस से बनवाया। जहाँ पानी समतल था वहाँ नई जमीन डलवाई, दलदल वाले एरिया में मलबा डाला, कुछ पानी वाले जगह पे कंकर और पत्थर डलवाए गए। इस प्रोजेक्ट का नाम हॉर्नबी वेलेट प्रोजेक्ट रखा गया था और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लगभग 150 साल लगे। इस तरीके से बिखरा हुआ मुंबई एक हुआ। 200 साल 1853 में मुंबई में सबसे पहली ट्रेन शुरू हुई, जो थाने तक चलाई गई थी। इस शहर में साल 1926 सबसे पहली बस सर्विस भी शुरू हुई थी। यही साल 1928 भारत का सबसे पहला एयरपोर्ट भी बनवाया गया। यही लुरेन ब्रदर्स ने शॉर्ट फिल्म्स बनाना शुरू किया और अपनी क्रिएटिविटी दुनिया में दिखाई, जिसके बाद से आपको पता ही है बॉलीवुड का बीज भी मुंबई से ही बोया गया। साल 1995 में इस शहर का नाम बॉम्बे से बदलकर मुंबई रखा गया। तो ये था दोस्तों मुंबई का पूरा इतिहास। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।